अपनी बातें कर दो, लोगों की बातें करो। संचालन में भी तुम जो लंबा कर देते हो लंबा मत कर, ज्यादा जो है वो फिर थोड़ी सकते हैं। तुम्हारी बातें कम होनी चाहिए और लोगों की बातें ज्यादा होनी चाहिए। ये कोशिश करोगे तभी लोग तुम्हारे साथ जुड़े। जब तुम अपना ज्यादा प्रभाव करोगे तो लोगों को लगेगा अरे खाली अपना तरफ आगे रखा है, ठीक है। तो ये कोशिश हमेशा रखनी चाहिए। ये तुम्हारे साथ है, प्रभु है, और भाई साथ इतने लोग आए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं विजय जी के लिए बड़ा ऋणी हूँ कि इन्होंने मेरे बहुत हृदय से कहा कि एक हम लोग का स्थान में कोटा हमेशा रहता है। अच्छा भी मैं टाटा से जुड़ा हुआ उसमें कुछ संस्थाएं वहाँ कुछ और है कि मेरे बाहर करने से मिल जाते हैं, लेकिन और लोगों को ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो नवादा जैसी जगह में अगर तुम हमको होता और ये दिक्कत होगी यहाँ, लेकिन उस परिस्थिति में अगर फिर विजय जी जिस मुक्त हृदय से जिस तरह से उदारता से कह रहे हैं कि हमेशा इनके लिए खुला हुआ है तो इसका लाभ आप लोग उठाना चाहिए। और ये जो आप लोग कह रहे थे कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं, मैं आपको बताऊं सर कि साहित्य में जो बड़े लकीर खींचने वाले लोग हुए हैं वो हिंदी के प्राध्यापक नहीं रहे, ज्यादातर अंग्रेजी के रहे हैं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे मैं अपने आप को बता सकता हूँ इतिहास है तो साहित्य ऐसा भी कर सकते हैं। इसलिए आपके अंदर एक साहित्यकार बैठा हो, इसीलिए आपकी ये उदारता जो है लोगों को मिल रही है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपका साहित्य का रस सूख गया है, सूखा नहीं हो है। क्या बात है, उदारता से कह रहे हैं 20x25 का कमरा है, उपयोग कीजिए इसका। और इसकी परवाह आप लोग एकदम मत कीजिए कि कितने लोग आते हैं। 5-6 लोग दुखी ने मारा है, 6 लोग दुखी है, आपस में 6 लोग विचार विमर्श करेंगे ना, आप एक नई तरह की ऊर्जा जो है ना उनको जागृत हो। इसलिए वो एकदम आदमी की परवाह मत कि कितने लोग आ रहे हैं। साहित्य के लोग अरे अलग चलाने वाले लोग समाज में कितने होते हैं, भीड़ चल रही है। इसलिए मित्रों में बड़ा आभारी हूँ आप लोगों का, मेरे नाम पर यहाँ बहुत धन्यवाद।